मैसूरू में रविवार रात एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ पर जानलेवा हमला हुआ। फरहान नामक एक व्यक्ति ने कांग्रेस विधायक पर चाकू से हमला किया। सेठ को गर्दन के पास चोटें आई हैं। कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ जब एक शादी समारोह में बैठे हुए थे, तभी फरहान ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने उसे वहीं पकड़ा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। हमले की घटना कैमरे में भी कैद हो गई। इसके बाद आनन फानन में घायल विधायक को अस्पताल में भर्ती। हालांकि हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन हमले के पीछे के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि इस मामले में जांच जारी है। विधायक तनवीर सेठ पर हमले की बात पता चलते ही मैसूर के पुलिस कमिश्नर टी बालकृष्ण भी अस्पताल पहुंचे। हमलावर 20 वर्षीय फरहान है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वहीं बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमले के पीछे के कारणों का पुलिस द्वारा पता नहीं लगाया जा सका है। वे इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं।